बीते 20 अगस्त को लापता हुए थाना मोकमपुरा के इलाके में रहने वाले नौजवान की लाश अज तड़कसर झाड़ियों चो मिली है, जिसकी पहचान मोनू वजों हुई है। इस संबंधी मोनू के परिवारिक मैंबर ने दसा कि उन्होंने पुत्र का कुछ लोगों नाल झगड़ा होया सी ते उन्होंने ही उसका कतल किया है, क्योंकि मोनू की मृतक दे उपर तेजधार हथियारों नाल कई वार किए हुए सन। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को शिकायत भी की थी, पर पुलिस वालों मोनू नूं लभण लई पैसों की मांग की गई थी। मृतक नौजवान के परिवारिक मैंबरां नाल दुख सांझा करन लई पहुंचे भाजपा वर्करां ने परिवार को इंसाफ दिवाउण लई परिवारिक मैंबरां समेत थाना मोकमपुरा का घिराओ किया ते पुलिस पासों दोषियों नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार करन की मांग की। उधर ADCP हरजीत सिंह धालीवाल ने दस्या कि पुलिस वालों दोषियों की भाल की जा रही है। आया हम मंदिर से आए, मुंडा मिल गया, मुंडा मिला हमका वापिस जाते रहा, हम कहा बेटा लो वापिस जा रहे हो, कहीं हाँ जा रहा हूँ पापा, माल नहीं है क्या करेंगे यहाँ बैठ करके। घर गया, घर में पता नहीं कौन दुश्मन बैठा था, वो गया घर में गेट के गया, टिफिन पकड़ा के वापिस आ गया, और पता नहीं कौन सा बंदा बैठा था, उन्हें उसको बुला लिया, बुला करके लेके चला गया। यही पता लगता है कि काला बंदा था, चिट्टी बनियानी पहना था, एक मुंडा जो गोरा से काने में कुंडल पहना था, कैबरी पहना था। कोई पुरानी दुश्मनी थी आपकी बेटे? कोई पुरानी बेशक नहीं दुश्मनी थी, अभी ठंडी में ये तुंगा वाले ने उसको छेड़खानी थी, होटल से आता रहा तो उसका मोबाइल छीन लिए थे, उसमें लफड़ा। क्या नाम आपके लड़के का? मोनू। कितनी उम्र थी उसको? 20-21 साल। कोई तुंगा देखे लड़कों ने छेड़ा था, क्या नाम था उसका? हमको भाई पता नहीं, बच्चों को पता है। पुलिस ने कोई पैसे की मांग भी की थी? हाँ जी। किसने की थी उसका कोई नाम कुछ को नहीं पता जी मेरे को, कमिश्नर के पास। आप क्या मांग करते हो आप? हाँ जी, क्या मांग करते हो? हम क्या मांग, तुमसे मुंडा मांग करता हूँ, अपना मुंडा मेरे को। पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? कोई सर कार्रवाई नहीं किया, रुपया मांगती थी, रुपया खाया था 50 लाख, तो एक कसम लोग मेरे मुंडे के सुनवाई नहीं किया, उधर मुंडा मेरा मार के चला गया। तेरे सूचना मिली थी कि एक झाड़ियाँ जिन्होंने लाश प्राप्त हुई है, जिदी कि इन्होंने ना जो मृतक के परिवार ने एक एप्लीकेशन 20 तरीक न आए थ और 21 तरीक न एक एप्लीकेशन दी सी कि साढ़े बच्चे का जोड़ा वो किडनैपिंग हो गई है और दोषियों के नाँ भी दसे से, लेकिन इन्होंने जोड़ा परचा दर्ज किया उस वे पुलिस ने करंटली परचा दर्ज किया जी गुमशुदगी का, जबकि उन्होंने बाई नेम दसिया कि यह बंद ने साढ़े बच्चे चुकया। अज 23 तरीक न सवेरे उन्होंने लाश मिली, इन्हों का रोष का कारण मेन यो ही है जी, उस वे गुमशुदगी की जगह अपहरण करता, मतलब अपहरण का परचा दर्ज होना चाहिए सी किडनैपिंग का, जो कि पुलिस ने उस वे नहीं किया। ये इन्हों का कहना जी एक बंदा उस वे जिदा नाम दसया गया सी, पुलिस ने उन्होंने फट के भी लिया, लेकिन कार्रवाई किए बिना ही शाम को उन्होंने छड़ दिता गया और अगले दिन उन्होंने पेश होने का टाइम दिता गया, वो पेश नहीं होया। जे वो इन्हों का कहना कि जे वो पेश हो जाता तो शायद अज इन्हों बच्चे की जान बच जाती। बाकिया का तो मैं नहीं पता कि बई उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की गई, लेकिन अज असी एक एप्लीकेशन लिख के ADCP साहब दिती है कि जेड़े दोषी पुलिस मुलाजम भी ने जिन्होंने उस वेले जी कार्रवाई होनी चाहिए सी वो नहीं की, उन्होंने सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए, जे सस्पेंड हो सकते हैं तो सस्पेंड किए जान, जे डिसमिस हो सकते हैं तो डिसमिस किए जान। एक परिवार के बच्चे की जान गई है, यह मामला कोई लड़ाई झगड़े का नहीं, एक जान का मामला, एक इंसान की जान का मामला है, और गरीब जी जान की कीमत तुम इस वे समझ ही रहे हो कि कितनी होती है, और उस वेले जो उसकी जान बच सकती सी उस वेले जो वो कार्रवाई करते तो वह कीमती जान अज साडे शायद विच विचर। ये लड़का 20 तरीक नूं घरों मिसिंग होया सी, 21 तरीक नूं ना आण के तरखा दित्ती सी की करो ते सर पता लगा घर देना कहना जी 15000 रुपया रिश्वत भी मांगी पुलिस मामले ऐसा ही नहीं किसी रिपोर्ट दर्ज करन लई रिश्वत दी मांग कीती गई सी। रिपोर्ट अभी ऑलरेडी परचा दर्ज किया कल इन्हों का, ठीक है जी, कल अंडर सैक्शन 346 परचा कल दर्ज करता सी, अज हुण इहदी डेड बॉडी मिल गई और जुर्म का वादा करता सर, जिहड़े बंदे जिहड़े इन्हां ने लिखाए आ जिन्हां ने चेक करते अं रेट करके फड़दे सर। जुर्म च की वादा कीता गया? अंडर 302। ठीक है, लिखाए ना तुहानूं दस दिंदे सर, एक बंदे दी अरेस्ट भी होई है सर? नहीं अजे कोई नहीं हुई पर फड़ लांगे जल्दी। अनुमान लगाया जा सकता है कदों तक अरेस्ट किए जाएंगे? कोशिश करांगे जल्दी, अज ही कोई ना कोई फड़ दिए, ठीक है जी, शाम तक कुछ ना कुछ एक दो फड़े बंदे फड़े जाने, फिर सारे फड़ांगे तो कुछ ना कुछ फड़ांगे जरूर। अज लड़के का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा? पोस्टमार्टम भेज दिता वा, हो रहा सर। टोटल कितने बंदे आ जी जिन्हां दे नाम लिखाए गए? टोटल ना कोई 6-7 लिखाए अपने भाई ने।